नमस्कार। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। आज के दिन पूरे देश में खेलों का आयोजन होता है, सेमिनारों का आयोजन होता है और हम सब मिल कर के राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। तो आज इसी राष्ट्रीय खेल दिवस पर भारत के खेल, झारखंड के खेल आदि पर चर्चा करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है खेल से जुड़े दो लोगों को। हमारे साथ हैं श्री सुभाष चंद्र डे जी, जो कि राज्य के वरिष्ठतम खेल पत्रकार हैं, खेल से जुड़े रहे हैं। हमारे साथ हैं सुशील वर्मा जी, जो कि भारतीय खेल प्राधिकरण के उप निदेशक पद से हाल ही में रिटायर हुए हैं, लेकिन फुटबॉल खेल से जुड़े हुए हैं और फुटबॉल के ये अंतर्राष्ट्रीय कोच भी रह चुके हैं। वर्मा साहब और सुभाष जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। सुभाष जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा कि आज राष्ट्रीय खेल दिवस है जी, इसके बारे में थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डालें। अच्छा, खेल दिवस तो जस्ट एक ऐसा ही अन्य दिनों की तरह ही है, लेकिन इसने कुछ विशेष खेलों का आयोजन, विशेष आयोजन किए जाते हैं खेलों के लिए। सेमिनार्स आयोजित किए जाते हैं और भी तरह तरह के खेल से संबंधित, तो यही बात है। इसमें कभी मैं पुरस्कार भी दिए जाते हैं राष्ट्रीय स्तर के। ये हम लोग सुभाष जी को सारा झारखंड प्यार से शिवुदा भी कहता है, तो हम भी कभी कभी इनको शिवुदा भी कहते हैं। तो सुभाष जी, आप ये हम लोग जानते हैं, जैसे कि खेल दिवस जो है मेजर ध्यानचंद हॉकी खिलाड़ी, उनके नाम पर ही हम मनाते हैं, तो उस पर जी आपसे हम जानकारी चाहेंगे, दर्शकों को बताएंगे। तो उसमें तो ध्यानचंद के बारे में बताना पड़ेगा जी। ध्यानचंद जी जो थे, ये मैंने ऐसा कहते हैं, ना भूतो ना भविष्यति, हॉकी में ऐसे खिलाड़ी ना हुए हैं ना होंगे। वो एक करिश्मा थे उस ज़माने में, और तीन तीन ओलंपिक खेले, तीनों में गोल्ड मेडल लाए। लास्ट 1928 फर्स्ट ओलंपिक में हम लोग गए, उसमें यहीं के स्वर्गीय जयपाल सिंह जी कैप्टन थे, और वो वहाँ से गए थे आपके इंग्लैंड से, क्योंकि वो उन दिनों इंग्लैंड में पढ़ा करते थे जी। तो यहाँ तो हमारी उस टीम में बहुत कम भारतीय थे, ज़्यादा इंग्लिश में एंग्लो इंडियंस लोग ही थे। तो उसमें जयपाल सिंह के अलावा ये हमारे मुख्य खिलाड़ी में ध्यानचंद जी भी थे जी। तो ध्यानचंद जी वहाँ गए, उससे पहले जो अभ्यास मैचेस हुए हैं, हुए इंग्लैंड में, हुए भारत में भी हुए थे, तो वो अभ्यास मैचों में, प्रदर्शनी मैचों में भारत जो हंगामा करता रहा गोलों का, उससे मैंने सब चकित रह गए। तो वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग तो गोलों की ढेर लगा दी। फाइनल में हॉलैंड को ही हराया, एम्स्टर्डम में था। उससे पहले कुल हम लोग उस ये में 28 या 29 गोल किए थे, दो तीन चार मैच में, पांच मैच में हॉलैंड 3-0 से हारा था। तो ये उस समय इतिहास है, पूरी दुनिया जानी कि हाँ, भारत में हॉकी का एक बड़ा पावर है। तो उसके बाद जो वो सिलसिला चला कुकृति जी, वो एक अजीब सा माहौल था कि हॉकी के प्लेयर्स की मैंने कमी नहीं थी, किसको ले किसको ना ले। मैंने ध्यानचंद के बाद उस ये में ओलंपिक्स में ध्यानचंद के बारे में सुन करके, उनके दोस्तों से अखबारों में से, उनका भाई रूप सिंह थे, रूप सिंह को बड़ा अफसोस होता था, गुमसुम रहता था। वो आकर के ध्यानचंद के रूम में सोने लगा। बात बात में पता चला कि वो बड़ा दुखी है कि वो क्यों नहीं गया जी। क्यों नहीं। तो और अगला में 28 के बाद 32 बर्लिन ओलंपिक में फिर वो भी उसका भी सिलेक्शन हो गया। और जाते ही फिर मैंने गोलों की झड़ी लगा दी दोनों भाइयों ने। तो इसी तरह चलता रहा। उस ये में शायद हम लोग बर्लिन में बड़ा ये जर्मनी को ही हराए थे 5-0 से, यही सही कुछ। और फाइनल में जा करके अगला, तो ये जो हुआ आपके दुर्भाग्य की बात है,
ये में जितने भी बाहर जाने से जब हम लोग यूरोप पहुंचते थे, इंग्लैंड टीम कभी भी भारतीय टीम के साथ प्रदर्शनी मैच नहीं खेली। वो मैंने वो पॉलिसी एज ए पॉलिसी वो उसको अपना ना अपने को देता था, ना स्कॉटलैंड को देता था, ना आयरलैंड को, इन तीनों से वो अलग रहता था। वो ऐसे ऐसे किसी टीम से खिलाता था। एनीवे तो प्रदर्शनी मैच खेला जाता है, प्रदर्शनी क्या प्रैक्टिस मैचेस उसको कहते हैं ना, ओलंपिक के लिए तैयारी। तो आप मजबूत टीम हमें देंगे ओपोनेंट, तब ना हमारा प्रैक्टिस भी सही होगा। तो उसके बाद अमेरिका में जब लॉस एंजलिस में जो हुआ 1936, उसमें हम लोग फाइनल में लास्ट मैच जो हुआ वो अमेरिका को ही 24-1 से हराए। और उस टूर्नामेंट में जिस उसमें 10-10 गोल इन्हीं दोनों भाइयों के थे, 11-11 गोल टूर्नामेंट में इन दो भाइयों के थे, तो हंगामा कहते थे उसको। तो वहाँ के अखबारों उन दिनों की रिपोर्ट, हम तो नहीं थे उन दिनों, लेकिन बाद में देखे रिपोर्टिंग वगैरह में कि ये एक तूफान आया था, जो कि हॉकी का तूफान, जिसमें कि ध्यानचंद जी उसके मुख्य हाँ, तो उसमें ये सारे माने ध्वंस जो होता है ना, विध्वंस हो गया ये ऐसा सब, मतलब ओलंपिक में हॉकी से ही जो हमारे पहचान बनी एकदम। बिल्कुल बिल्कुल वर्मा जी, जैसे कि ध्यानचंद जी के बारे में सुभाष जी ने बताया, उनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था, हिटलर ने भी उनको अपने यहाँ जर्मनी में बुलाया था, आप इस पर कुछ बताना चाहेंगे और खेल दिवस को जोड़ते हुए? खेल दिवस पर ये इनके बारे में यही बताया जाता है कि अभी भारत में जितना भी पुरस्कार होता है 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है उसमें जाता है, और भारत के साथ साथ अनेक राज्यों में बिहार झारखंड सभी जगह इनको इस 29 अगस्त को खेल दिवस दिन बताया गया, और इसी दिन सब जगह पुरस्कार वितरण होते हैं। और जहाँ तक इनका ध्यानचंद जी का बात है, ध्यानचंद जी का हमने पटियाला में देखा है, म्यूजियम में देखा है उनका सारे चीज़, हॉकी स्टिक भी रखा हुआ था। तो उसी उन्हीं के चलते आज भारत में हॉकी को अपना राष्ट्रीय खेल माना गया है। तो ध्यानचंद जी जैसे सिबुदा बताया ध्यानचंद के बारे में, तो हम समझते हैं कि अभी तक हमने जो भी खिलाड़ी देखे, एक मोहम्मद साहिद हुए थे बनारस के, वो उनका ड्रिबलिंग थोड़ा ध्यानचंद जी से मिलते थे, उनके बेटे अशोक जिससे भी मैंने मुझे पटियाला मुलाकात हुई है, लेकिन अभी तक वैसा जो टैलेंट था ध्यानचंद जी का अभी तक देखने में वैसा नहीं मिला। नहीं मिला जी। हम हॉकी की ही बात करते हैं सुभाष जी, हॉकी से ओलंपिक में पहचान बनी ध्यानचंद जी के माध्यम से, तो इस ओलंपिक में बहुत सालों के बाद जी मास्को के बाद हम एक मेडल लेकर के आए, पहले ही तीसरे नंबर पर रहे। हॉकी को क्या हो गया, पहले की हॉकी और आज की हॉकी में ये क्या परिवर्तन आया, क्या फिर हम ऊपर जा रहे हैं? देखिए आप जानते हैं ध्यानचंद जी बहुत दुखी रहते थे हॉकी को लेकर, को इतना इतनी निराशा उनके मन में छा गई थी। अंतिम दिनों में जब उनसे पूछा गया था कि भारतीय हॉकी का भविष्य क्या है, तो वो बोले अंधेरा है, कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि बोले कि यहाँ के लड़के लड़कियाँ तो उस समय उतना ज़्यादा नहीं ये इसमें आगे थे, लड़के के ही बारे में बोल रहे थे, यहाँ के नौजवान खेलते ही नहीं हैं, वो ज़्यादा मौज मस्ती में बिजी रहते हैं। तो वही हालत हम लोग अभी भी देखते हैं, आप सुविधाएँ दीजिए वो ज़्यादा उसमें चले जाते हैं। हमारे यहाँ मैंने लोकल जो हीरोज थे खेल के, नॉट ओनली हॉकी फुटबॉल के, ये के जो कि एक उन लोग भी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी रहे, उन लोग भी कहते हैं कि आजकल लड़कों को आप मोटरसाइकिल दे दीजिए, अभी तो अब मोबाइल भी हो गया, मोबाइल हाथ में दीजिए, बस इसी ले करके इन लोग सारा समय बिताता है। हम लोग टाइम में जो हम लोग 8 बजे घर से निकल जाते थे खाली खेल के लिए, जुनून था वो, ये नहीं कि हमको सुशील वर्मा जी हैं प्रैक्टिस में डांटेंगे, ये कुछ कोई नहीं, हम लोग को तो कोई डांटने वाला भी नहीं था, प्रैक्टिस कोई कराता ही नहीं था, अपने जितना बाहर से कोई बड़ा अच्छा प्लेयर आया तो उसका खेल देख करके हम लोग सीखते थे, तो ये चीज़ नहीं है, लगन जिसको कहते हैं खिलाड़ियों के, हाँ वो मैंने समर्पित बहुत कम लोग, समर्पण की भावना कम है। वर्मा साहब, ओलंपिक टोक्यो का अभी समाप्त हुआ है, और ओलंपिक में हम जितने भी मेडल लेकर के आए हैं, 7 मेडल लेकर के आए हैं जी,
उसको लेकर के बहुत खुशियाँ मनाई जा रही हैं। 130 करोड़ का हमारा देश है, मेडल इतने हैं, भले ही वो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन आपके नज़रिए में क्या है? एक ओलंपिक में, एक ओलंपिक में मेरे नज़र में तो अच्छा प्रदर्शन नहीं है, लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन एज ए कोच मैं देखता हूँ तो जितने आबादी है उसके अनुसार तो हम लोग कहीं भी नहीं है, और हम लोग खुशी मना रहे कि बहुत ज़्यादा, ये 7 मेडल तो कुछ नहीं है, छोटा छोटा देश भी 7 मेडल रहा है, लेकिन ये है कि हम लोग जितना ओलंपिक में भाग लिए थे ये सबसे ज़्यादा मेडल रहा है, तो हम लोग को उतना, हम खासकर लोग दुनिया पूरा भारत में खुशी मना रहे हैं कि हम ज़्यादा मेडल लाए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो सिबुदा बोलते हैं अभी जो ये कमी है बहुत अभी खिलाड़ियों में, जो कि अगर अगला ओलंपिक में अभी हम 4 साल का प्लान बना के काम करेंगे, अब तो 3 ही साल तभी कुछ, हाँ तो 3 ही साल ओलंपिक था तो 3 साल, हम लोग जब तक 8-10 लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बनाएंगे तब तक यही 7-8 मेडल से हम लोग खुशी मनाएंगे, ये तो मेरे ख्याल से सही नहीं है। आपसे मैं हॉकी पर ही बात करना चाहूँगा, आज आप तो आप साई में 30 साल से भी ऊपर तक आपने सेवा दी है, आपने सारे खेलों को नज़दीक से देखा है, और हॉकी की क्या यहाँ पर थाती थी ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। तो हॉकी का खेल जो है अभी भारत में पुरुष और महिला में, खासकर महिला में, उसकी क्या स्थिति बनी है अभी पहले की तुलना में? देखिए पहले की तुलना में क्या था, पहले हम लोग ओलंपिक में जो मेडल लाते थे पहले ग्रास में होता था, साधारण ग्रास में होता था, अभी एस्ट्रो टर्फ हो गया, और अभी हॉलैंड जैसा देश में इतना छोटा देश है वहाँ आज से 10 साल पहले 300 एस्ट्रो टर्फ था, हर स्कूल में एक एस्ट्रो टर्फ था, जब हम गुमला में पोस्टेड थे तो बेल्जियम के प्रिंसिपल थे वो बताते थे कि हॉलैंड में ऐसा यहाँ एक भी एस्ट्रो टर्फ नहीं है, उसमें शुरू पटियाला में लगा था पहला टर्फ लगा था, फिर दिल्ली में नेशनल स्टेडियम में लगा था, तो कहने का मतलब कि खेल का ये भी चेंज हो गया, अभी स्पीड आ गया पूरा जैसे टर्फ आया, और हम लोग को जैसे हर स्कूल में छोटा सा जहाँ भी हॉकी का सेंटर है, जैसे अभी तो झारखंड में सिमडेगा में हो गया, खूंटी में हो गया, गुमला भी बना है लेकिन काम अभी नहीं कर रहा है, इसी तरह अगर हॉकी को डेवलप करना चाहते हैं, शहर में तो हो नहीं रहा हॉकी, आप रांची जमशेदपुर धनबाद कोई भी बड़ा शहर में जाइएगा, पटना शहर में हॉकी कम खेलते हैं, लेकिन गांव में आसपास वहाँ ज़रूरी है, अभी हमारे पास जो साई में बच्चियाँ आती थी सब गांव से आती थी, और हर साल 4-5 इंटरनेशनल निकलती थी वहाँ से, गांव से आती थी 12 साल के एज में, 13 साल के, 14 साल के एज में हम लोग लेते थे, वो लोग एस्ट्रोटर्फ देखी नहीं थी कभी पहले, तो यहाँ एस्ट्रोटर्फ था यहाँ पर अपना मोराबादी स्टेडियम में, हॉकी स्टेडियम में, तो हम लोग उसको यूज करते थे, और उससे खिलाड़ियों को बहुत उस पर असर पड़ा, उसमें रोज़ प्रैक्टिस करने से वो खिलाड़ी जब राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तब उनको बहुत फ़ायदा होता है। तो जैसे हम लोग पूरे देश के अंदर हम बात करते हैं तो सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई, जैसे टॉप स्कीम है और भी सारी स्कीम है, और हम देश की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो जैसे अभी आपने बताया कि हॉलैंड में उतने सारे टर्फ हैं, भारत में गिने चुने हैं, तो वो तो है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा एक खिलाड़ी के लिए जो सरकार कोशिश करती है, जो योजनाएँ चलाती है, आपके नज़र में वो क्या है, सफिशिएंट है? विदेशों से अगर हम तुलना करें तो क्या वो संतोषजनक है, या उसमें और आपके नज़रिए से कोई खेल प्रशासक के तौर पर? मेरे नज़र में तो पहले तो वो भी नहीं मिलता था, जैसे सिबुदा वाला है, पहले हम लोग के समय में कोई कोच नहीं था, अभी तो सारा फैसिलिटीज है, लेकिन अब हम तुलना करेंगे इंग्लैंड से, अमेरिका से, या दूसरा कंट्री से, चाइना से, जापान से, तो ऐसा सुविधा उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि उन लोग का डाइट और उनका प्रैक्टिस का, अभी तो उन लोगों को पढ़ाई के लिए जो एकेडमी खुलता है हॉकी का, विदेश में रहते हैं वहीं पर उनको पढ़ाई का व्यवस्था, उन्हीं के दूसरा स्कूल में वो जा रहे हैं, उनका स्कूल का भी व्यवस्था ही रहता है, और सरकार को ये करना चाहिए, जैसे हम साई में साई सेंटर खोल दिए, साई सेंटर में खोल दिए, हम तो वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोचेज है, सब कुछ है, लेकिन उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट कहाँ, उसका पढ़ाई के लिए फिर एग्ज़ाम है, तो दूसरा अब विदेशों में क्या है कि वहीं पर उनका सेंटर है, वहीं पर सारा कुछ है, उनको कहीं भाई बाहर नहीं जाना, तो इस तरह का प्लानिंग सरकार करेगी तो और अच्छा हो, क्योंकि खिलाड़ियों को कम से कम इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने के लिए हम समझते हैं कि 5 घंटा अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, अगर 5 घंटा आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप इंटरनेशनल खिलाड़ी या इंटरनेशनल में मेडल नहीं ला सकते।
सुभाष जी, जो आपने अभी कहा कि खिलाड़ियों की कमिटमेंट की बात, वर्मा जी ने भी अभी उस बात पर एक बात जोड़ी है कि 5 घंटे की मेहनत होनी चाहिए, वो तो ठीक है। वो तो हमने भी कहा था ना, लड़के यहाँ के जो नहीं जानते थे खेल के बारे में, 8:30 बजे निकल जाते थे, 2-3 बजे घर लौटते थे खेत खलिहान से, तो हो ही जाता था उतना समय। तो ठीक, सही बात बोल रहे हैं वर्मा जी। खिलाड़ियों की कमिटमेंट के अलावा सरकार की तरफ से, हम पूरे देश की बात अभी कर रहे हैं, ठीक है, हर पूरे देश की बात करें अगर, तो खिलाड़ियों को तो मेहनत करनी चाहिए, लेकिन सरकार का सपोर्ट जो भारत में खेल के लिए है, आपकी नज़र में भारत में खेल किस प्राथमिकता पर है सरकार की नज़र की दृष्टि से, और आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? हाँ, नीतिगत ढंग से अगर रूप से अगर हम देखें तो सरकार ने बहुत कुछ किया है, और वो इतना बहुत नाकाफ़ी भले हो, लेकिन बहुत है, इसको हम लोग प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हमारे ऑफिशियल्स जिम्मेदार हैं, कोचेस जिम्मेदार हैं, विथ ऑल रेस्पेक्ट, ड्यू रेस्पेक्ट टू वर्मा जी, जो भी हैं ना, तो वो अगर ईमानदारी से काम करे, एसोसिएशन, उनके पदाधिकारी सब जो हैं वो किस लिए एसोसिएशन चलाते हैं, अपने नाम चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, या खिलाड़ियों के डेवलपमेंट के लिए? तो सर्वस्तर पर तो उनको देखना चाहिए ना। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि देश के प्रधानमंत्री या राज्य के मुख्यमंत्री जा कर के आपको हर चीज़ के लिए टोके, आपका पूरा डिपार्टमेंट उन्होंने खोल दिया है, तो वो डिपार्टमेंट के लोग, अफसर्स जो हैं, वो भी ढंग से काम नहीं करते। समय पर आप, हम आपको मिलने हैं वजीफ़ा, वो टाइम पर आपको नहीं देंगे, 50 बार वो प्लेयर आके दौड़ रहा है भाई ये स्कॉलरशिप के लिए, क्यों? ये तो ऑटोमेटिक एक सिस्टम हो जाना चाहिए ना, तो सिस्टम हम लोग बनने नहीं देते हैं, तो उसमें है बेईमानी भी है, घुसखोरी भी है, बहुत सारी बातें बोलनी पड़ती है, लेकिन ये सब है, उसको इससे हम लोग इसको नज़रअंदाज इन सब बातों नहीं कर सकते हैं। हमारे हिसाब से सरकार को सिर्फ दोष देने से काम नहीं चलेगा। वर्मा साहब, सुभाष जी ने एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई, एक तो इन्होंने खिलाड़ियों के कमिटमेंट पर बताया, दूसरा अभी खेल संघों की भी बात उठाई। तो आप सरकार के विभाग में थे, आपने वहाँ भी देखा और आपने खेल संघों को भी देखा, तो खेल संघों की भूमिका आपकी नज़र में क्या है, कैसी होनी चाहिए थी? देखिए, खेल संघों की भूमिका, अब हॉकी में देखेंगे तो हॉकी में तो एक तरह से अच्छा है, 2 ओलंपियन यहाँ से निकले, निक्की प्रधान, सलीमन रेटी, दो गई, तो जब प्लेयर जाते हैं यहाँ से और खेल कूद होता है सारा चीज़, चैंपियनशिप, स्टेट, नेशनल, तो हॉकी को माने तो हॉकी की भूमिका को हम सराहनीय कहेंगे, लेकिन अगर दूसरा गेम को हम फुटबॉल को लेते हैं तो आज एक ही आदमी, जब से झारखंड बना है फुटबॉल में सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है, एक ही आदमी, 20 साल हो गए, और 20 साल में न ठीक से कोई स्टेट चैम्पियनशिप होता है, ना कुछ होता है, ना उनका पास कोई प्लानिंग है, ना उनके पास क्या करना है, कोई खिलाड़ियों को टैलेंट कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, सरकार तो कर ही रही है, पैसा दे रही है, आप भी देखिए ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेके, आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि प्रधानमंत्री इतना कोई भी प्रधानमंत्री इतना खेल में इंटरेस्ट ले, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री जो खेल में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, और राज्य के मुख्यमंत्री भी जो यहाँ के हैं झारखंड के, वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि कुछ संघों को छोड़ दिया जाए और बाकी संघ तो लग रहा है कि बस वो अपना लेटर पैड अपना ही बनाए हुए हैं, अपना कुर्सी छोड़ना नहीं चाहिए। अब एक आदमी 20 साल से 21 साल से एक संघ में बैठा हुआ है, उसका कोई काम नहीं हो रहा है। रांची ऐसा ज़िला जहां 200 क्लब है, ए डिवीज़न, बी डिवीज़न में फुटबॉल के, और इतना क्लब हम समझते हिंदुस्तान के कोई ज़िला में नहीं है, और यहाँ 5 साल 4 साल से लीग नहीं हो रहा है, कोई मैच नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये संघ का काम है, सरकार तो देख ही रहे, संघ का काम है, जब सरकार तो सिलेक्शन करके भेजती नहीं है, संघ IOA या जो फेडरेशन है वो भेजती है टीम को। तो हम लोग तो जब हम साई में थे तो हम तो लाचार थे, जब भी संघ को पकड़ना, हम तो तैयार करते हैं खिलाड़ी को जी। तो जो संघ इंटरेस्टेड रहते, हॉकी में हमारे यहाँ से बहुत से लड़के खेले, फुटबॉल में भी जब मैं जोड़ दिया बहुत ई करके, तब फुटबॉल में भी, फिर बाद में वो भी, अभी अंडर 17 वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में गर्ल्स का, तो अभी साई से पुरानी लड़कियाँ सब गई हैं,
जो छोटी छोटी, लेकिन सरकार की तरफ से तो ऐसा नियम बना हुआ है कि आप किसी खास समय तक के 12 साल और 8 साल इसी तरह से आप अध्यक्ष और सचिव के पद पर रह सकते हैं, कूलिंग ऑफ में जाना होगा, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? अगर ऐसा बना हुआ है तो ऐसा फॉलो क्यों नहीं हो रहा है? अब तो उनके ऊपर ही तो फॉलो होना चाहिए, कोई आदमी आवाज़ भी नहीं उठ रहा था, आवाज़ उठाना चाहिए, उसको PIL करना चाहिए कि इतने दिन से आपका क्या सरकार को एक चीज़ चाहिए कि अगर फेडरेशन का उनको साल हर साल फेडरेशन के साथ बैठे और उनका मांगे उनका क्या हिसाब किताब, क्या उनका रिजल्ट है, क्या परफॉर्मेंस, आप हर डिस्ट्रिक्ट को बनाए हुए हैं एसोसिएशन बनाए हुए, तो डिस्ट्रिक्ट में क्या परफॉर्मेंस, उनका टैलेंट हंट होता है कि नहीं, इंटर डिस्ट्रिक्ट होता है कि नहीं, इंटर सब डिविज़न होता है कि नहीं, इंटर स्कूल मैच भी होता है कि नहीं, ये सब जो राज्य है, राज्य के जो डायरेक्टर हैं या सेक्रेटरी उनको भी देखना चाहिए कि हाँ इस संघ आए पैसा संघ को छोड़ दे या संघ के बात मान लें, उनके लिए संघ को टाइट करने के लिए एक ऐसा OSD टाइप का एक ऑफिसर रखना चाहिए जो सारा संघ को देखे। सुभाष जी, जैसे खेल संघों की बात आपने भी कही और अरुणा जी भी ने कही, लेकिन खेल संघों की भी एक बात होती है, ये मैं पूरे देश के परिदृश्य में कह रहा हूँ अपने झारखंड को समाहित करते हुए, वो ये कि खेल संघ कहते हैं कि जो सरकार में बैठे हैं खेल से जुड़े लोग, वो कोऑर्डिनेट नहीं करना चाहते हैं, वो इनसे बात नहीं करते हैं, इनसे पूछते नहीं हैं, इनका काम नहीं करते हैं, और उसी तरह उधर भी शिकायत रहती है कि खेल संघ ठीक से काम नहीं करते हैं, तो इसमें आप कहाँ तक सहमत हैं कि सरकार की तरफ से जो खेल संघों की शिकायत कहाँ तक जायज़ है? देखिए, मैं न तो सरकार में हूँ न खेल संघों में हूँ, तो सरकार में समझिए वर्मा जी हैं ये बताएंगे, इनके साथ खेल संघों का कोई मतलब नहीं रहता था, तो खेल संघ को तो अपने आना चाहिए ना जी, ये साई में आना चाहिए, उनके प्लेयर से मिलना चाहिए, इनका परमिशन लेना चाहिए कि आप कहिए प्लेयर को हमको चाहिए स्टेट टीम के लिए या डिस्ट्रिक्ट टीम के लिए, तो तालमेल वाकई नहीं है, ये बात तो सही कही है इन्होंने। और ये जो दूसरी बात आपने क्या पूछा था? मैंने पूछा था कि क्या ये उनका जैसे खेल संघ के बारे में कहा था कि खेल संघ तो ठीक है, हम कह रहे हैं कि खेल संघ उतना ज़्यादा वो नहीं कर रहे अपना काम, मेरा ये कहना था कि खेल संघ को क्या करना चाहिए इसमें, जैसे कि इन्होंने वर्मा साहब ने कहा कि चिपक के नहीं बैठना चाहिए किसी में, तो खेल संघ में खिलाड़ियों को रहना चाहिए या खेल प्रशासक कोई भी हो सकता है? खिलाड़ी माने खेल प्रशासक भी जैसे थे हमारे टाइम में, अब हर बात में बोलेंगे हमारे टाइम में तो वो भी लगेगा कि हाँ पूरा, तो उसके खिल वो समर्पित होते थे पूरा, अपने घर से पैसा लगा करके करते, उन दिनों पैसे लोगों के पास कम होता था, उसमें उनका घर नहीं चल रहा है, वो खेल के पीछे दिन दिन भर दौड़ रहे हैं कमाई उमाई छोड़ के, तो अभी तो उल्टा हो गया ना, अभी तो दौड़ रहे हैं इसलिए पैसा कमाने के लिए, तो वो हम सब के बारे में नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग एसोसिएशंस में हैं जो कि भ्रष्ट हैं, तो उसी तरह अगर खिलाड़ी भी उसी तरह का ला दिए को उनको बना दिए, अगर वह भी वही काम किया तो हमको तो आमूलचूल परिवर्तन करना है भाई। जरूरत है जी, बिल्कुल। वर्मा साहब, प्रशिक्षण पर हम आते हैं, आप एक NIS के कोच भी हैं फुटबॉल के, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है आपके पास, तो झारखंड में जो सीनियर प्लेयर्स 18-19 के हो जाते हैं उसके बाद प्रशिक्षण की सरकारी स्तर पर सुविधा अभी आज तक नहीं है, तो आप एज अ कोच इस पर आपका क्या नज़रिया है? मेरा नज़रिया तो साफ साफ है कि मैं इंग्लैंड, ब्राज़ील, हंगरी बहुत जगह से ट्रेनिंग और 3-3 बार जूनियर इंडिया का कोच रहा हूँ, करीब 34-35 इंटरनेशनल प्लेयर प्रोड्यूस किया हूँ कुमला से लेकर रांची तक, लेकिन सरकार जब अभी मैं रिटायर कर चुका हूँ, बाहर में बंगाल में एकेडमी खोला हूँ गरीब बच्चों के लिए, सरकार को ये भी मालूम नहीं कि यहाँ 40 साल से कौन काम किए हैं और उनका रिजल्ट कैसा रहा है, और हम तो सरकार के पास नहीं जा सकते कि हमको आप लीजिए हमको बुलाइए, लेकिन अभी जो प्रशिक्षण की व्यवस्था है ना, प्रशिक्षण में कोई प्लानिंग है ना, ट्रेनिंग शेड्यूल है, हर 3 महीना पर बच्चे खिलाड़ियों को टेस्ट होना चाहिए, उनका परफॉर्म असेसमेंट टेस्ट होना चाहिए, उनका परफॉर्मेंस किस लेवल में था और किस लेवल में गया, तो ये कमी है प्रशिक्षण जो हम विदेशों में देखते हैं, प्रशिक्षण का जो तरीका रहता है ये यहाँ पर उसका 10% भी नहीं है, हम लोग ट्रेनिंग कैंप लगा देते हैं, खोल दिए ये कर दिए, ब्रेड बोर्डिंग खोल दिए, ये खोल दिए वो खोल दिए, लेकिन उसका कौन असेसमेंट कर रहा है, कौन देख रहा है, मॉनिटरिंग कहाँ से हो रहा है, प्लेयर कितना निकल रहे हैं, आप कोचेज को पैसा दे रहे हैं उनसे पूछिए कि आपने कोई स्टेट लेवल प्लेयर, आप सबको एक टारगेट दे दीजिए
हम ये जैसे हम बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं छोटे बच्चे को, तो उसको टास्क दे दिए, हम तुमको 10 बार जगलिंग, 20 बार, 10 दिन में, 15 दिन में तुमको टास्क दे, 10 बार हमको जगलिंग देखना है, तुम घर में करो, हम तुमको बता दिए। तो ये टारगेट देना है बच्चों को, खिलाड़ी को उनको मोटिवेट करना है, उनके पेरेंट्स से मिलना है, उनको बताना है। ट्रेनिंग एक ऐसा नहीं है कि हाँ हम कोच बन गए, हम ट्रेनिंग दे दिए, हो गया। उनको उनका कोच का ड्यूटी 24 घंटा का होता है, कैसे वो खाता है, कैसे रहता है, उनको हर तरह से देखना है। और उसमें से जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको एक जगह रख के, अगर फुटबॉल में जो अभी जैसे हॉकी में अच्छा खिलाड़ी निकल रहे हैं, फुटबॉल में झारखंड में हम समझते हैं कि एक ऐसा टीम बन सकता है जो भारत में किसी भी टीम को, हम जब गुमला में थे तो एक ऐसा टीम यहाँ से रांची से HEC में कौन सा मिला के गया था, उसके स्कूल के बच्चे आए थे। तो कहने का मतलब है कि उसमें हम लोग थोड़ा सा सरकार को भी देखना है कि कोचेज को प्रशिक्षण उसको टाइट करें। जी बिल्कुल, इस चर्चा से ये बात सामने आई कि एक जैसे सुभाष जी ने कहा कि खिलाड़ियों को कमिटमेंट, वो तो निश्चित रूप से सबसे पहले होना चाहिए कि खिलाड़ी अगर मेहनत नहीं करेगा तो उसको कुछ भी मिल जाए वो फिर आगे नहीं बढ़ सकता है। और जैसा आपने कहा, सुभाष जी ने कहा कि खेल संघ और सरकार के बीच का कोऑर्डिनेशन, तीसरा है कि जो भी काम दिया जा रहा है उसका प्रॉपर असेसमेंट हो कि क्या प्रगति हो रही है उसके बारे में पता लगाते रहना चाहिए, और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा था कि खेल की लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, और 7 मेडल से ओलंपिक में संतुष्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और प्रतिभा की दृष्टि से भी हमारा देश बहुत बड़ा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन सब चीज़ों पर सरकार, जैसे प्रधानमंत्री खुद रुचि ले रहे हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी रुचि ले रहे हैं और खेल को आगे बढ़ाने के लिए सबकी सोच मिलकर के चल रही है। इवन जब टीम हार जाती है तो भी प्रधानमंत्री की तरफ से फ़ोन जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सब सारा कुछ मिल करके एक समग्र प्रयास होगा और 3 साल के बाद जब अगला ओलंपिक आया या वर्ल्ड चैम्पियनशिप आएगा तो उसमें हमारे खिलाड़ी और इससे भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे और एक से ज़्यादा नीरज चोपड़ा हमें ओलंपिक में देखने को मिलेंगे। तो सुभाष जी और सुशील जी, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, स्टूडियो में आए और अपने अनुभव से हमें अवगत कराया, इसके लिए हम आप दोनों का दूरदर्शन की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।